हरियाणा सरकार द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने का कानून बनाया है, आदेश दिया है, मगर शराब के ठेके 10 बजे तक खुले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हरियाणा सरकार के नेतागण खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, भारी भीड़ जुटा रहे हैं, और मगर व्यापारी पे बंदस 6 बजे तक का। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या रैलियों में शराब के ठेकों में कोरोना नहीं आता? कोरोना सिर्फ व्यापारियों की दुकान में आता है, जबकि व्यापारी पहले ही कोरोना महामारी कारण लगातार व्यापार में दो पिछड़ता जा रहा है और व्यापारी पहले ही हरियाणा का नुकसान में चल रहा है। मेरी सरकार से मांग है, जो 6 बजे टाइम उसे बढ़ाकर कम से कम रात 8 बजे तक का टाइम रखा जाए, जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर व्यापार मंडल, हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के नाम 24 जनवरी से सभी पूरे प्रदेश के अंदर हम ज्ञापन देंगे, ताकि दुकानें 8 बजे तक खुलने की इजाजत दी जा सके। मैं बताना चाहता हूँ, आज हरियाणा देख लो, पूरा देश देख लो, लोग 5 बजे तक, मजदूर है, कर्मचारी 5 बजे तक काम करते हैं, 5 बजे तक वो अपना ड्यूटी पे करते हैं, उसके बाद वो घरों में जाकर अपनी तैयारी करके 6 बजे के बाद मार्केट में सामान खरीदने के लिए आते हैं। रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, मध्यम दुकानदार हैं, उनका 6 बजे के बाद ही व्यापार चलता है। ऊपर से आदेश 6 बजे बंद करके आ गया, इससे क्या है, रेडी वाला है, छोले वाला है, फड़ी वाला है, छोटा दुकानदार बड़ी भारी नुकसान के अंदर है। रेडी वाले से पूछते हैं, रात ने कितनी बिक्री करी? बोला बाबू जी 2000 रुपए की। सामान कितना बनाया? बोला 5000 का। बोला 3000 में नुकसान है। इस तरह ही छोटे छोटे आदमी गुजरते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है, वो समय जो 6 बजे का वो उचित नहीं है, रात 8 बजे तक का समय किया जाए, और कोरोना महामारी के अंदर जो बंद दुकान, बंद फैक्ट्री के बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स, बैंकों को जो ब्याज सरकार ने लिया है वो रिफंड किया जाए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कोरोना के समय में 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है, आज तक 1 रुपया भी किसी व्यापारी को, उद्योगपति को नहीं मिला। मेरी सरकार से मांग है कि आर्थिक पैकेज भी व्यापारी उद्योगपति को दिया जाए, जो नुकसान है उसकी कोरोना के समय का, उसकी भरपाई की जाए, और भविष्य में भी समय समय पर व्यापारी का, उद्योगपति जो भी नुकसान है उसके लिए आर्थिक पैकेज देने का नियम सरकार को बनाना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग। ये फैसला गलत है, मुझे अभी सुना भी है कि सरकार 28 तारीख को खोलने जा रही है, अभी मेरे पास कहीं फोन आए हैं, कन्फर्म नहीं है, मगर आप देखो युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाए, वो पढ़ाई ना कर सके, उनके साल साल दो साल उनके लिए दिक्कत में रहे, तो बड़ी भारी बच्चों के लिए दिक्कत है। एक तरफ व्यापार नहीं, एक तरफ शिक्षा नहीं, दूसरी तरफ आप देखो हॉस्पिटल में सुविधा नहीं, ना अच्छी शिक्षा इस सरकार में, ना अच्छी चिकित्सा, दोनों ही मूलभूत सुविधा इस सरकार में नहीं है। मैं चिकित्सा इसलिए बोल रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल की हालत खस्ता है, इन जाकर देख लो सिविल हॉस्पिटल में पानी भरा, थोड़ी सी बारिश पानी भर जाता है। डॉक्टरों की 50% से ज्यादा डॉक्टर स्टाफ की कमी है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग देखो, वो गिरने के लिए तैयार है, और वहां तक सरकारी टीचरों की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है, यहाँ तक कि 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। ये सरकार की हालत बता रहा हूँ आपको। मेरी सरकार से अपील है, बच्चे के भविष्य की तरफ भी देखे, व्यापार की तरफ भी देखे, उद्योग की तरफ भी देखे, आम जनता की तरफ देखे, कोई भी फैसला है आम जनता की तरफ करे। और एक बात और है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी के अंदर लाख लाख आदमी की रैली कर रहे हैं, गोवा में रैली कर रहे हैं, आप जगह जगह रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर ओपी धनखड़ जी पीछे हाँसी में प्रोग्राम कर गए, हिसार में करके गए, सिरसा में करके गए, तो वहां कोरोना नहीं आता? कोरोना सिर्फ व्यापारी की दुकान के अंदर आता है। एक बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इस सरकार में क्या बीमारी हो रहा है कि सरकारी अधिकारी
अपनी निजी स्वार्थ के लिए दुकानों में घुस घुस कर चालान काट रहे हैं, और अब पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में तो विफल रही, मगर रोड के ऊपर गलियों में अंदर खड़े होकर स्कूटी वाली मेरी बहन बहनों का चालान काट रही है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियों पर रोक रोक कर उनके चालान काट रहे हैं। ये कहा इंसाफ है, ये उचित है? आप अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों को अंकुश लगाओ। जो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगानी थी, सरकार ने वो तो चालान काटने के लिए लगा दी। तो उनको पैसा चाहिए, पैसा इकट्ठा करना है, चाहे हमारी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे मायू हो, बच्चा को मोटरसाइकिल लेकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हो, या ट्यूशन लेने के लिए जाता हो, या कोचिंग, उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें तो मतलब ही फटाफट चालान काट, नंबर देखा, चालान काट के हाथ में, पूछते भी नहीं क्या कमी है क्या नहीं, भाई एक मिनट चालान। ये फैसले उचित है, उचित नहीं है, ये फैसले गलत है। जन विरोधी फैसले लेना सरकार को छोड़ना चाहिए, जो भी फैसले है जनता की राय के हिसाब से उसी हिसाब से सरकार को फैसला लेने की जरूरत है। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।